गुड इवनिंग एवरीवन, परीक्षा प्लस में आप लोग का स्वागत है। मैं डॉक्टर मैत्री वाजपेयी आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्लास लेकर आई हूँ, जो कि मेरी क्लास है, बायो की क्लास है। बायो से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आप लोग का जो बैच है वो स्टार्ट हो गया है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का आर ओ ए आर ओ और सी ए का जो एग्ज़ाम है, जो बैच है वो स्टार्ट हो गया, और आप लोग को बहुत ही बम्पर डिस्काउंट मिल रहा है इसमें। ये देखिए 40% ऑफ मिल रहा है आप लोग को इस एग्जाम के लिए, इस बैच के लिए। तो प्लीज आप लोग टीम से कोऑर्डिनेट करिए और फटाफट ये बैच जो है वो ज्वाइन कर लीजिए। चलिए हम लोग अपना टॉपिक जो है आज का वो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है विटामिन्स, ठीक है। विटामिन्स जो है वो एक ऐसा मतलब चैप्टर है कह लीजिए, या एक ऐसा टॉपिक है जो कोई भी एग्जाम ले लीजिए उसमें इसमें से क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज ध्यान से सुनिए इस टॉपिक को। विटामिन्स क्या है? हम सब लोग डेली खाते हैं कुछ ना कुछ, सबको पता है हम लोग विटामिन्स का इनटेक करते हैं, खाना खाते हैं, एक बैलेंस्ड डाइट लेते हैं। बट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग प्लीज ध्यान दीजिएगा। विटामिन्स क्या है? विटामिन्स जो है एक कार्बोनिक यौगिक होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? कार्बोनिक यौगिक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जिनकी बॉडी में बहुत ही कम मात्रा में इनकी ज़रूरत होती है, मतलब बहुत ही माइन्यूट अमाउंट में या क्वांटिटी में इनकी आवश्यकता होती है बॉडी को, ठीक है। तो विटामिन क्या है? कार्बोनिक यौगिक है, ठीक है। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है। अब देखिए एक प्रश्न यहीं से बन गया, पूछा जाता है एक प्रश्न, हर एक लाइन एक प्रश्न है। विटामिन क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। चार ऑप्शन दे देंगे और पूछेंगे कि विटामिन्स क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है, कार्बोनिक यौगिक हैं, जिसकी बॉडी में आवश्यकता मानव शरीर में अल्प मात्रा में होती है, मतलब बहुत ही कम अमाउंट में होती है, बहुत ही कम अमाउंट में या ट्रेस अमाउंट में कह सकते हैं होती है, ठीक है। क्लियर हो गया, ये इतना याद रखिए। तो पहला क्वेश्चन तो आपका यही बन गया कि विटामिन क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक। अब देखिए विटामिन शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था? सी फंक थे, सी फंक, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। 1911 में सी फंक थे, इन्होंने विटामिन शब्द का प्रयोग किया था, मतलब ये जो विटामिन टर्म है, विटामिन टर्म जो है ये किसने, इट इज कॉइंड, या किसने दिया था ये टर्म? कॉइन बाय सी फंक, किसने दिया था? सी फंक ने दिया था। ये आपको याद रखना, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। अब देखिए ये जो नामकरण है विटामिन का, जो नामकरण है ये तो सी फंक ने दिया था, बट इसकी खोज किसने की थी? दोनों चीजें अलग अलग हैं, कंफ्यूज मत होइएगा, पूछा जाता है। इसकी खोज की थी सर एफ जी हॉपकिंस ने की थी। किसने की थी इसकी खोज? सर एफ जी हॉपकिंस ने इसकी खोज की थी विटामिन की। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। तो तीन चीजें हो गई अब तक, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ट्रेस अमाउंट में इनको बॉडी की जरूरत होती है, बॉडी को बहुत ही ट्रेस अमाउंट में विटामिन्स की जरूरत होती है। 1911 में सी फंक जो थे उन्होंने इसका टर्म दिया था, और इसकी खोज किसने की थी? सर एफ जी हॉपकिंस ने की थी, ये आपको याद रखना है। अब विटामिन्स के प्रकार देखिए, टू टाइप्स, विटामिन का जो टाइप्स हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। पहला है वसा में घुलनशील। वसा क्या होता है? मतलब जो फैट, जो फैट होता है ना, फैट में सॉल्यूबल, मतलब फैट में घुल जाएंगे, सॉल्यूबल हो जाएंगे। तो वसा में घुलनशील, यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पे, तो विटामिन्स जो हैं दो प्रकार के हैं, टू टाइप्स, टाइप्स इनका देखें ब्रॉडली क्लासिफाइड, तो एक होता है फैट सॉल्यूबल, ठीक है, और एक होता है वाटर सॉल्यूबल, ठीक है, एक होता है वाटर सॉल्यूबल। फैट सॉल्यूबल विटामिन्स होते हैं और वाटर सॉल्यूबल होते हैं। तो जो वसा यानी कि जो फैट में घुलनशील होते हैं वो कौन से होते हैं, ये बहुत पूछा जाता है, एकदम सिंपल पूछ लेंगे कि इसमें से कौन सा है जो फैट में सॉल्यूबल है, कौन सा है जो नहीं है, कौन सा है जो वाटर में सॉल्यूबल है, तो ये एकदम रटा होना चाहिए आपको। तो वसा में घुलनशील कौन से होते हैं? ए डी ई के, विटामिन ए, विटामिन डी, ई और के। अब इसे याद कैसे रखेंगे? कीड़ा याद रखिए, ठीक है, ये देखिए, ठीक है, याद रखिए कि जो कीड़ा होता है, कीड़ा वो फैट में यानी कि वसा में मिल जाता है, घुलनशील होता है, वो हो गया फैट वाला कीड़ा, ये ट्रिक है, ठीक है, कीड़ा, विटामिन ए डी ई के, ठीक, क्लियर। अब
बचे हुए कौन से थे, जो पानी में, जो कि वाटर में सॉल्युबल यानी कि जो पानी में घुल जाते हैं। बहुत ही आसान है याद रखना, नींबू पानी तो पीते ही हैं हम लोग, नींबू पानी पीते हैं कि नहीं पीते हैं, नींबू निचोड़ते हैं तो पानी में घुल जाता है, वही चीज है जल में घुलनशील यानी कि जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं वो कौन से होते हैं। एक हो गए विटामिन बी, विटामिन बी में बहुत सारे होते हैं, तभी आपने देखा होगा कि जब दवाइयां दी जाती है, विटामिन्स, मल्टी विटामिन दिया जाता है तो कहते हैं बी कॉम्प्लेक्स खा लेना, क्यों, क्योंकि बी में बी वन है, बी टू है, बी थ्री है, बी फाइव है, बहुत सारे हैं, अभी आगे देखेंगे। और कौन सा है वाटर में सॉल्युबल यानी कि जो पानी में घुल जाता है, वो है विटामिन सी है। ठीक है, विटामिन सी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये रहा विटामिन सी। ठीक, तो समझ में आ गया, दो तरह के हो गए, एक हो गया वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल वाला हो गया कीड़ा, और जो पानी में मिल जाता है वो एक तो हो गया हमारा नींबू पानी यानी कि सी, और दूसरा हो गया बी कॉम्प्लेक्स यानी कि बी। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग एक एक करके कुछ इंपॉर्टेंट विटामिन जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। चलिए देखते हैं कुछ प्रमुख विटामिन, देखिए उनके सोर्सेज और उनकी कमी से होने वाले रोग। ठीक, अब देखिए विटामिन ए, पहले हम लोग क्या करते हैं कि जितने भी विटामिन्स हैं, ए है, बी, इन सब के एक केमिकल नेम है, उनको फटाफट पढ़ लेते हैं। रेटिनॉल, विटामिन ए का क्या नाम होता है, रेटिनॉल। ठीक है, देखिए विटामिन ए जो है इसका केमिकल नेम जो है वो है रेटिनॉल। अब देखिए हिंदी में भी इसको हम रेटिनॉल लिखेंगे और इंग्लिश में भी हम इसे रेटिनॉल लिखेंगे। ठीक है, तो ये बाइलिंगुअल क्लास है, किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, हिंदी में भी रेटिनॉल है और इंग्लिश में भी इसे रेटिनॉल कहते हैं। ठीक है, विटामिन ए का क्या नाम हो गया, रेटिनॉल। अब विटामिन ए जो है, विटामिन ए से की कमी से जितनी भी दिक्कतें वो ज़्यादातर आँख में होती हैं। अब इसको याद कैसे रखेंगे अगर आप रेटिनॉल भूल गए तो, कि देखिए हमारी आँखों में क्या होता है, रेटिना होता है। ठीक है, रेटिना होता है, तो रेटिना से याद रखना है, रेटिनॉल याद रखना है आप लोग को। ठीक है, अब विटामिन ए की जब कमी हो जाती है शरीर में तो क्या होता है, आंखों की दिक्कत होगी। सबसे इम्पॉर्टेंट या सबसे जो कह सकते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है वो है नाइट ब्लाइंडनेस। ये बहुत पूछा जाता है कि विटामिन ए की कमी से क्या होता है नाइट ब्लाइंडनेस, किससे हो जाता है, विटामिन ए की कमी से। ठीक है, इसे हिंदी में कहते हैं रतौंधी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको हिंदी में, रतौंधी कहते हैं। ठीक, और क्या होता है, ज़ीरोफिथैल्मिया हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, और त्वचा की यानी कि जो स्किन की जो कोशिकाएं हैं उनमें परिवर्तन होता है, कुछ चेंजेस आ जाते हैं। बट आपके एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आपको क्या याद रखना है, रेटिनॉल सबसे इंपॉर्टेंट, एक एक के बाद बात करते हैं हम लोग जो एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, रेटिनॉल कमी से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है, इसी को ही और क्या कहते हैं, निक्टेलोपिया कहते हैं, निक्टेलोपिया, क्योंकि नाइट ब्लाइंडनेस अब बहुत ही कॉमन शब्द हो गया है, सबको पता है, जितने भी बच्चे एग्जाम देते हैं उनको पता है, तो निक्टेलोपिया भी बहुत बार पूछा जाता है, हिंदी में भी इसे यही कहते हैं और इंग्लिश में भी इसे यही कहते हैं, निक्टेलोपिया। ठीक है, तो ए की कमी से क्या हो गया, नाइट ब्लाइंडनेस, निक्टेलोपिया, दूसरा क्या हो गया, ज़ीरोफिथैल्मिया। ठीक है, जीरो आंखों में क्या हो जाता है, ड्राइनेस आ जाती है, ज़ीरोफिथैल्मिया हो जाता है, ये दो क्वेश्चन बन रहे हैं आप लोग के। ठीक, फिर क्या पूछा था जा सकता है आप लोगों के में, इनका सोर्स क्या है, तो सबको पता है हरी सब्जियां खानी चाहिए, आंखों की रोशनी तेज होगी, गाजर है, आम है, पपीता है, ये सब खाना चाहिए। ठीक है, और इसका स्टोरेज कहाँ होता है, लीवर, जो यकृत मतलब होता है लीवर, विटामिन ए का स्टोरेज कहाँ होता है, लीवर में होता है, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। अब ये देख रहे हैं आंख आप, कुछ इस तरह की आंखें हो जाती हैं। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस या ज़ीरोफिथैल्मिया में देखें तो। ठीक, तो ये आपको इतना याद रखना है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट वाले में आइए, विटामिन बी वन। विटामिन बी वन का जो केमिकल नेम है वो हिंदी में भी थायामीन है और इसे इंग्लिश में भी थायामीन कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में भी इसको थायामीन कहते हैं विटामिन बी वन को। ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, बहुत बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बेरी बेरी जो होता है, बेरी बेरी जो बीमारी है वो किस कौन से विटामिन की कमी से हो जाती है, तो या तो लिखेगा विटामिन बी वन और या लिखेंगे थायामीन, तो आपको दोनों चीजें पता होनी चाहिए, इनके केमिकल नेम पता होने चाहिए। ठीक है, तो थायामीन की कमी से या विटामिन बी वन की कमी से क्या हो जाता है, बेरी बेरी रोग हो जाता है, बेरी बेरी। ठीक है, अब देखिए बेरी बेरी, ये देख रहे हैं बेरी बेरी में जो मरीज होता है वो कुछ इस टाइप से दिखता है, बहुत ही ज्यादा वीक दिखता है
वो बोल नहीं पाता है, मेंटल कंफ्यूजन होती है उसमें, डिप्रेशन होता है, बहुत ज्यादा वीकनेस होती है, ठीक है, ये है बेरी बेरी का मरीज, कुछ इस टाइप से दिखता है। ठीक, तो आपको बस क्या याद रखना है, B1 थायामीन कमी से हो गया बेरी बेरी, इतना याद रखना है आपको। अब एक चीज देखिए, यहाँ पे एक चीज और भी, ये भी पूछा जाता है एंटी कैंसर विटामिन या एंटी इन्फेक्शियस विटामिन कौन सा होता है, वो भी हम विटामिन ए को कहते हैं, ठीक है, विटामिन ए को एंटी कैंसर, एंटी कैंसर या एंटी इन्फेक्शन, ठीक है। तो ये सब विटामिन ए, ये हमेशा दूसरा नाम जरूर पूछा जाता है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब विटामिन बी टू जो है उसका केमिकल नेम क्या है, देखिए राइबोफ्लेविन, ठीक है, इंग्लिश में मैं लिख दे रही हूं यहां पे, राइबोफ्लेविन, हिंदी में भी इसे कहते हैं, बी टू को क्या कहते हैं, राइबोफ्लेविन कहते हैं, राइबोफ्लेविन। जब आपने देखा होगा इससे क्या हो जाता है, बी टू की कमी से किलोसिस हो जाता है, ठीक है, किलोसिस, ठीक, इंग्लिश में भी इसको यही कहते हैं किलोसिस, ठीक है। ये क्या होता है, जो क्रैक्ड लिप्स हो जाते हैं, जो होंठ होते हैं उनके जो कॉर्नर्स होते हैं वहां पे क्रैकिंग हो जाती है, क्रैक्ड लिप्स हो जाते हैं, ठीक, ये देख रहे हैं आप, यहां पे देखिए लाल लाल सा है, ठीक है, क्या है, क्रैक्ड लिप्स हो जाते हैं। तो यही पूछा जाता है कि B2 का क्या नाम है, राइबोफ्लेविन उसका नाम होता है केमिकल, और उसकी कमी से किलोसिस हो जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो पूछे ही पूछे जाते हैं, ठीक है। अब B3 में आइए, विटामिन B3, ये भी बहुत पूछा जाता है कि विटामिन B3 का नाम क्या है, नियासिन, क्या कहते हैं इसको, नाम थोड़े से टफ है लेकिन आप लोग एक दो बार याद करेंगे तो आ जाएगा, नियासिन या निकोटेनिक एसिड, ठीक है, विटामिन B3 का केमिकल नाम क्या है, नियासिन, NIACIN, नियासिन या निकोटिनिक एसिड, अम्ल मतलब एसिड, ठीक है। तो B3 का नाम है नियासिन या निकोटिनिक एसिड, इसकी कमी से क्या हो जाता है, प्लेगरा हो जाता है, PELLAGRA, ठीक है, प्लेगरा हो जाता है, ठीक। ये देखिए प्लेगरा जो है इसे 3D सिंड्रोम भी कहते हैं, इसमें 3D होते हैं, 3D, ठीक है, इसमें डर्मेटाइटिस होगी मतलब चर्म रोग होगा, देख रहे हैं आप मरीज को, चर्म रोग है, स्किन वाली प्रॉब्लम हो गई, और क्या होता है, डायरिया हो जाता है, और डिमेंशिया, भूलना है, इंसान जो है, जो पेशेंट है उसे, उसका याददाश्त कमजोर हो जाती है, उसे भूलने की बीमारी हो जाती है। तो आप लोग ये चीज याद रखिएगा, प्लेगरा जो होता है ना, प्लेगरा में 3D होता है, 3D होते हैं, ठीक, कौन कौन से, डर्मेटाइटिस डर्मा यानी कि स्किन, ठीक है, चर्म रोग डर्मेटाइटिस होगा, या क्या होगा, डायरिया तो पता होगा सबको, डायरिया, या क्या होगा, डिमेंशिया होता है, ठीक है, याददाश्त कमजोर हो जाती है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि प्लेगरा को हम क्या कहते हैं, 3D सिंड्रोम कहते हैं, 3D सिंड्रोम, ठीक है। अब देखिए, अब आता है B5, विटामिन B5, 5 यानी कि पेंटा, इसका नाम याद करना बहुत ही आसान है, B5 यानी कि पेंटा, ठीक है, इसका नाम क्या है, पैंथोथेनिक एसिड, ठीक है, क्या नाम है इसका, पैंथोथेनिक एसिड, ठीक है। विटामिन B5 जो है उसका क्या नाम है, उसका नाम है पैंथोथेनिक एसिड, और इसकी कमी से क्या हो जाता है, इसकी कमी से देखिए क्या हो जाता है, बर्निंग फीट सिंड्रोम, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बर्निंग फीट सिंड्रोम, जो फीट होता है हमेशा, जो भी पेशेंट है, मरीज है, उसे लगता है कि जो उसका फीट है वो हमेशा बहुत ही जल रहा है, उसमें जलन हो रही है, बहुत गर्म गर्म सा लगता है, जलन होती है, इसीलिए उसमें हम लोग कोल्ड आइस पैक्स देते हैं, ठीक है। तो इसमें पेशेंट को लगता है कि उसका जो फीट है वो बहुत ज्यादा जल रहा है, तो बर्निंग फीट सिंड्रोम, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि B5
यानी कि पैंथोथेनिक जो एसिड है उसकी कमी से क्या हो जाता है, बर्निंग फीट सिंड्रोम है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है बर्निंग फीट सिंड्रोम। उसके अलावा और क्या क्या हो जाता है, स्किन डिजीज यानी कि चर्म रोग हो जाती है, वृद्धि जो है वो ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाता है, वृद्धि जो है वो कम हो जाएगी यानी कि ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाएगा, ग्रेइंग ऑफ हेयर, बाल जो है वो सफेद होने लगेंगे, ठीक है, इसीलिए सारे विटामिन खाना बहुत जरूरी है, बाल सफेद यानी कि ग्रेइंग ऑफ हेयर्स, ठीक है, ग्रेइंग ऑफ हेयर्स हो जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसमें मिलता है, मूंगफली है, अंडा है, दूध है, मांस है, इन सब में ये सब इसके सोर्सेस हैं, सोर्सेस भी आप लोग को याद होने चाहिए। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है इसमें कि B5 का नाम है पैंथोथेनिक एसिड और इसकी कमी से होता है बर्निंग फीट सिंड्रोम, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रहना जरूरी है। अब देखिए B6 देखिए, पिरिडॉक्सिन, इसको क्या कहते हैं, पिरिडॉक्सिन, विटामिन बी सिक्स का क्या नाम है, पिरिडॉक्सिन, क्या नाम है, पिरिडॉक्सिन उसका नाम है। इसकी कमी से क्या हो जाता है, रक्त छीणता यानी कि अनीमिया हो जाता है, आपको याद करना पड़ेगा कि अनीमिया जो है, अनीमिया किससे हो जाता है, B6 यानी कि पिरिडॉक्सिन की कमी से हो जाता है। और क्या क्या होता है, स्किन डिजीज होती है, चर्म रोग होता है, पेशी ऐठन मतलब जो मस्कुलर क्रैम्प्स होते हैं, मस्कुलर क्रैम्प्स होते हैं, और डिप्रेशन होता है, ठीक, दूध, ईस्ट, अनाज, मांस, ये सब जो है ये सब इसके सोर्सेज हैं। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीजें, और विटामिन B7, ये बहुत बार पूछा गया है कि विटामिन B7 को और किस नाम से हम लोग जानते हैं, तो वो है विटामिन H, ठीक है, क्या है, विटामिन H, तो विटामिन H किसका नाम है, किसका नाम है, B7 का नाम है, और इसको हम किस नाम से जानते हैं, बायोटिन नाम से, ठीक है, क्या नाम है इसका, बायोटिन, ठीक है। तो विटामिन B7 से पूछे जाने वाले क्वेश्चन क्या है कि इसका दूसरा नाम क्या है, एच विटामिन, पूछा जाता है कि एच विटामिन किसको कहते हैं, तो विटामिन B7 को कहते हैं, ठीक है, बायोटिन इसका दूसरा नाम, और क्या है, बायोटिन है। इसकी कमी से क्या हो जाता है, इसकी कमी से भी क्या हो जाता है, देखिए काफी सारी चीजें मिलती जुलती हैं, चर्म रोग हो जाएगा यानी कि स्किन डिजीज होगी, बाल जो है वो झड़ने लगेंगे, पैरालिसिस हो सकता है, और बॉडी एक होता है, पूरे शरीर में दर्द सा बना रहता है, ठीक है, ये किसकी कमी से, विटामिन B7 यानी कि बायोटिन या एच विटामिन की कमी से, ठीक है। और इसके सोर्सेस क्या है, सब्जी, फल, गेहूं, मांस, अंडा, ये सब इसके सोर्सेज हैं। अब देखिए विटामिन B9 देखिए, विटामिन B9 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसे हम कहते हैं फोलिक एसिड जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रेगनेंसी के टाइम पे फोलिक एसिड का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसीलिए गवर्नमेंट जो है वो IFA की टैबलेट्स बटवाते हैं, जो जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं सारे CHC PHC में ये इनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, कौन सी टैबलेट्स बटती हैं, IFA, ठीक है, आयरन का होना, देखिए प्रेगनेंसी में आयरन और फोलिक एसिड इनका इंटेक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, ताकि जो महिला है उसे अनीमिया ना हो और फर्दर कोई भी कॉन्सिक्वेंसेज ना हो, तो ये है आयरन फोलिक एसिड की टैबलेट दी जाती है, आयरन फोलिक एसिड जो है उसकी टैबलेट दी जाती है। फोलिक एसिड की कमी, अगर कोई भी गर्भवती महिला है यानी कि प्रेग्नेंट वूमेन है और उसके अंदर फोलिक एसिड की कमी है, तो जो बच्चा है उसमें होता है एक बहुत ही बीमारी एक हो जाती है, जिसमें बच्चा मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से विकलांग हो जाता है, उसे हम कहते हैं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, ठीक है, क्या कहते हैं हम लोग, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, इसीलिए इसकी टैबलेट्स बांटी जाती हैं ताकि ये चीज ना हो। क्या होता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, ठीक है, ये किसको इफेक्ट करता है, ये ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को इफेक्ट करता है, इसमें बच्चा जो है वो मेंटली एंड फिजिकली वो क्या हो जाता है, विकलांग हो जाता है, ठीक है। तो फोलिक एसिड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर प्रेग्नेंट वुमेन्स, ठीक है, तो आप आगे देखते हैं, ठीक है, B9 किसको कहते हैं, B9 जो है वो क्या है, फोलिक एसिड है, B9 क्या है याद करते चलिए, फोलिक एसिड है, ठीक, इसकी कमी से अनीमिया हो जाता है, यही हुआ, अनीमिया हुआ जिसकी वजह से IFA का बांटा गया।
कुंठित बुद्धि हो जाती है और डायरिया। लेकिन आपको क्या याद रखना है, अनीमिया, आपको ये चीज याद रखनी है, अनीमिया, ठीक है। और इसके सोर्सेस क्या हैं, हरी सब्जियां हैं, ईस्ट है, हरी सब्जियां तो खाना ही खाना चाहिए, ठीक है। तो हरी सब्जियां, ईस्ट, मांस, अंडे, ये सब इसके सोर्सेस हैं। अब देखिए विटामिन बी ट्वेल्व, विटामिन बी ट्वेल्व ये बहुत बार पूछा जाता है। इसका नाम जो है वो है साइनोकोबेलामीन, ठीक है, थोड़ा सा कठिन नाम है, आप लोग देखिए, साइनोकोबेलामीन, साइनोकोबेलामीन, ठीक है, विटामिन बी ट्वेल्व, ठीक, विटामिन बी ट्वेल्व क्या है, साइनोकोबेलामीन। अब देखिए ये पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है, तो यहाँ पे सी ओ आ रहा है, ये ट्रिक है, याद रखिएगा, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है, ठीक, क्या पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है। ये बहुत बार पूछा गया है बहुत सारे एग्जाम्स में कि कौन सा ऐसा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है, तो वो है विटामिन बी ट्वेल्व, यानी कि साइनोकोबेलामीन है, ठीक है। इसकी कमी से क्या हो जाता है, परनीशियस अनीमिया, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्या हो जाता है, परनीशियस, थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, इसे आप लोग अवॉइड करिए, परनीशियस अनीमिया, एक तरह का खून की कमी हो जाती है, परनीशियस अनीमिया हो जाता है, जिसमें विटामिन बी ट्वेल्व का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। इसमें ज्यादातर क्या इफेक्ट होता है, जो हमारा पेट है, पेट इफेक्ट होता है इसमें, ठीक है, वो क्या करता है, विटामिन बी ट्वेल्व जो है उसको एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएगा, और धीमे धीमे क्या होता है, आरबीसी कम हो जाता है, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है परनीशियस अनीमिया किससे होता है, ऐसा विटामिन जिसमें कोबाल्ट होता है, वो कौन सा होता है, बी ट्वेल्व, यानी कि साइनोकोबेलामीन, ठीक, परनीशियस अनीमिया, ये है सबसे इंपॉर्टेंट, ये तो याद रखना ही रखना है, परनीशियस अनीमिया। इसके अलावा और क्या क्या होता है, इसकी कमी से जॉइंटिस हो जाता है, ठीक है, एंकल एडिमा, एंकल एडिमा, जो हमारा एंकल होता है उसमें एडिमा, एडिमा मतलब सूजन हो जाती है, ठीक है। बट आपको क्या याद रखना है, परनीशियस अनीमिया, इंपॉर्टेंट इज परनीशियस अनीमिया, एक तो परनीशियस अनीमिया और दूसरा कोबाल्ट वाली चीज, ये दो चीज आपको याद रखनी है इस विटामिन में, यही पूछा जाता है। उसके बाद देखिए विटामिन सी, विटामिन सी को हम कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। अब ये तो सबको ही पता है कि जितनी भी खट्टी चीजें हैं उसमें क्या पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है। लेकिन ऑप्शन दे देंगे चार, पूछेंगे कि इसमें से मैक्सिमम या हाईएस्ट सोर्स, हाईएस्ट सोर्स किसका होता है विटामिन सी में, तो वो होता है आंवले में, ठीक है। मैक्सिमम या हाईएस्ट या रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी इज इंडियन गूजबेरी, दैट इज आंवला, ठीक है, आपको याद रखना है, आंवला रिचेस्ट सोर्स है, आंवला रिचेस्ट सोर्स है किसका, विटामिन सी का, ठीक है, विटामिन सी का। ये खट्टे फलों में पाया जाता है, लेकिन आंवला, इंडियन गूजबेरी जो है वो सबसे ज्यादा रिचेस्ट सोर्स होता है, और इसको कहते हैं क्या, एस्कॉर्बिक एसिड। इसकी कमी से क्या हो जाता है, इसकी कमी से देखिए, ये देख रहे हैं आप, जो मसूड़े होते हैं, मसूड़े जो होते हैं, इसकी कमी से ब्लीडिंग गम्स, यानी कि जो मसूड़े हैं उनमें से खून आने लगता है और उसमें सूजन हो जाती है और खून आता है, ठीक है। तो क्या होता है, स्कर्वी, सुना होगा आपने, स्कर्वी, विटामिन सी की कमी से क्या हो जाता है, स्कर्वी, इसमें क्या होता है, ब्लीडिंग गम्स, जो मसूड़े हैं वो सूजेंगे और उसमें से खून आएगा और फिर आपको डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा, ठीक है, स्कर्वी, ब्लीडिंग गम्स, दोनों चीजें पूछी जाती हैं कि स्कर्वी किससे होता है, किसकी कमी से, या ब्लीडिंग गम्स, ब्लीडिंग गम्स, गम्स मतलब मसूड़े, ठीक है, मसूड़े लाल लाल हो जाएंगे, सूज जाएंगे और खून आएगा, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। किसमें किसमें पाया जाता है, आंवला में, नींबू के, नींबू में और जितने भी खट्टे फल हैं, टमाटर, इन सब में पाया जाता है। उसके बाद चलिए आगे बढ़े, विटामिन डी, आप लोगों ने सुना होगा कि सब लोग कहते हैं कि सुबह सुबह धूप, सुबह की सूर्य की किरणें लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे विटामिन डी मिलेगा, ठीक है। तो एक्चुअली में विटामिन डी का सिंथेसिस होता है, ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, सनशाइन विटामिन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, विटामिन डी को सनशाइन विटामिन कहते हैं। ये भी आता है कि सनशाइन विटामिन किसको कहते हैं, विटामिन डी को कहते हैं। और इसका दूसरा नाम क्या है, कैल्सिफेरॉल, ठीक है, क्या नाम है इसका, कैल्सिफेरॉल,
कैल्सीफेरॉल, इसका नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल। इसकी कमी, जो विटामिन डी की कमी से क्या हो जाता है, बच्चों में रिकेट्स हो जाता है और बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है। हड्डियों की बीमारी है, बच्चों में रिकेट्स होगा और बड़ों में क्या होगा, ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, सूखा रोग आपने सुना होगा, सूखा रोग हो जाता है। ठीक, सूखा रोग बच्चों में क्या हो गया, रिकेट्स। ये देखिए बच्चा, देख रहे हैं आप, इस सूखा रोग या रिकेट्स से ये पीड़ित है। इसके देखिए पैर, देखिए बेंड है, बोइंग ऑफ लेग्स, जो पैर होते हैं वो मुड़ जाते हैं, हड्डियां जो है ना मुड़ जाती हैं, तो बोइंग ऑफ लेग्स ये रहा, ये किससे हो गया, विटामिन डी की कमी से। ये बच्चा धूप में नहीं जाता होगा, कमरे में ही बैठा रहता होगा, विटामिन डी इसको मिला नहीं, इसलिए रिकेट्स हो गया। ठीक, तो ये याद रखिएगा आप लोग, बोइंग ऑफ लेग्स ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक, और इसको क्या कहते हैं, सनशाइन, सनशाइन विटामिन। ठीक है, कहाँ से मिल रहा है, सूर्य की किरणों के प्रेजेंस में इसका सिंथेसिस होता है। ठीक है, तो ये आपको इतना याद रखना। और बड़ों में क्या हो जाता है, जो बड़े लोग हैं ये देखिए बहुत ही अच्छा डायग्राम है, नॉर्मल हमारी हड्डियां स्ट्रेट होती हैं, लेकिन इनकी कमी में ऐसे बो हो जाती हैं, बेंड हो जाती हैं। ठीक है, ये देखिए बड़ों में भी बो हो जाएंगी, यानी कि बेंड हो जाएंगी, उसको हम कहते हैं ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। ठीक है, ऑस्टियोमलेशिया ये याद रखिएगा। ठीक है, इसीलिए सुबह सुबह जाइए, सूर्य की किरणों को प्राप्त करिए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, विटामिन ई, विटामिन ई की बहुत अच्छी सी कैप्सूल्स आती हैं, और लोग विटामिन ई ब्यूटी विटामिन कहते हैं इसको, हम लोग क्या कहते हैं, ब्यूटी विटामिन कहते हैं इसको, हम लोग कहते हैं ब्यूटी विटामिन। ठीक है, जितने भी एसेंशियल ऑयल्स होते हैं उन सब में विटामिन ई होता है। विटामिन ई की जो कैप्सूल है वो चेहरे वगैरह में, बालों के लिए बहुत अच्छी होती है, चेहरे के लिए बहुत अच्छी होती है, स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है। ठीक है, फेशियल वगैरह जो होते हैं उन सब में विटामिन ई का यूज होता है, तो इसीलिए हम विटामिन ई को क्या कहते हैं, ब्यूटी विटामिन कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्यूटी विटामिन कहते हैं। और इसका नाम, केमिकल नेम है इसका टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल। ठीक है, क्या नाम है इसका, टोकोफेरॉल। इसकी कमी से क्या हो जाता है, जनन क्षमता की कमी। ठीक है, इसमें अगर विटामिन ई जो है, अगर विटामिन ई की बॉडी में कमी है तो वो मेल और फीमेल दोनों को इफेक्ट करता है, इसे प्रजनन विटामिन भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसी को जाके इफेक्ट करता है। अगर ये फीमेल्स में है तो बांझपन हो जाता है विटामिन ई की कमी से, और अगर मेल में है तो नपुंसकता हो जाती है, तो ये मेल और फीमेल दोनों को इफेक्ट करता है। ठीक है, तो विटामिन ई के बारे में आप लोग को इतना याद रखना, ब्यूटी विटामिन है, नाम टोकोफेरॉल है, प्रजनन विटामिन कह सकते हैं इसे। ठीक है, और ये मेल और फीमेल दोनों को इफेक्ट करता है। ठीक है, और ये सबसे, इसका रिचेस्ट सोर्स कौन से होते हैं, जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं या वीट जर्म ऑयल जो है वो रिचेस्ट सोर्स है, तेल, गेहूं, अंडे की जर्दी, सोयाबीन, तो ये सब जो है रिचेस्ट सोर्स है। लेकिन आपको ऑयल, जितने भी वेजिटेबल ऑयल्स हैं या वीट जर्म ऑयल है, वो इसका विटामिन ई का रिचेस्ट सोर्स होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, विटामिन के, विटामिन के जो है इसका नाम है, नैप्थोक्विनोन भी कहते हैं इसको और फिलीक्विनोन भी कहते हैं। ठीक है, इसका जो केमिकल नेम है नैप्थोक्विनोन और फिलीक्विनोन। ये विटामिन के की कमी से शरीर में हेमरेज हो जाता है, क्लॉटिंग नहीं हो पाती, यानी कि खून का थक्का जो है वो बन नहीं पाता है। ठीक है, तो क्लॉटिंग नहीं होती है और क्या होता है, हेमरेज हो जाता है। ठीक है, चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं बनता, यानी कि ब्लड की क्लॉटिंग नहीं हो पाती है, ब्लड की क्लॉटिंग नहीं हो पाती है, इसलिए विटामिन के बहुत इंपॉर्टेंट है। किसमें पाया जाता है, हरी सब्जियों में पाया जाता है, सोयाबीन, अंडे, और जो हमारे आंत में बैक्टीरियाज होते हैं, आंत में यानी कि जो इंटेस्टाइन में बैक्टीरियाज होते हैं उनमें भी पाया जाता है। ठीक है, विटामिन के इंपॉर्टेंट है, फिलीक्विनोन कहते हैं, और ये ब्लड क्लॉटिंग, क्लॉटिंग नहीं हो पाती है इसमें। ठीक है, जिसकी वजह से जब क्लॉटिंग नहीं होगी तो क्या होगा, खून बहेगा, हेमरेज हो जाएगा। ठीक है, हेमरेज हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, टर्म, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, फैक्ट्स हैं इंपॉर्टेंट, जो आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, पॉलिश्ड राइस कहते हैं कि जो पॉलिश राइस होते हैं, पॉलिश किए हुए चावल,
उन्हें ज्यादा खाने से क्या हो जाता है, बेरी बेरी, ठीक है, हमने पढ़ा था थायामीन, विटामिन विटामिन बी वन, थायामीन की कमी से बेरी बेरी होता है। पॉलिश्ड राइस की पॉलिश्ड राइस जब आप खाते हैं, पॉलिश्ड जब पॉलिश कर दिया गया राइस को, एसेंशियल चीज है तो चली गई, तो क्या हो जाता है उसकी कमी से, उसकी चीज इसकी कमी से हो जाता है बेरी बेरी हो जाता है, ठीक है, ये याद रखिएगा, पूछा गया है, ये सब क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। विटामिन सी देखिए, विटामिन सी का सबसे अच्छा सोर्स जो है वो है आंवला, ठीक, क्या है विटामिन सी का सबसे अच्छा सोर्स है आंवला, ठीक, यानी कि इंडियन इंडियन गूजबेरी, ठीक है, क्या है इंडियन गूजबेरी। अब देखिए घाव के भरने में कौन सा ऐसा विटामिन है जो सहायक है, हेल्प करता है, ये भी पूछा जाता है, विटामिन सी, घाव जब घाव चोट लगती है, घाव भरता है, तो उस टाइम भी विटामिन सी की बहुत ज़्यादा जरूरी होता है विटामिन सी, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब देखिए, अब विटामिन सी जो है क्योंकि ये वाटर सॉल्यूबल है, ठीक है, पानी में घुलनशील है, तो ये बॉडी में स्टोर नहीं होता है, ये यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया कि कौन सा ऐसा विटामिन है जो शरीर में स्टोर नहीं होता, यानी कि भंडारित नहीं होता है, वो है विटामिन सी। हमने नींबू पानी पिया, अब आप ये मत सोचिए कि हमने आज नींबू पानी पिया तो 10 दिन तक वो चलेगा, नहीं, वो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएगा, बॉडी में स्टोर नहीं होगा, ठीक है, इसीलिए टाइम टू टाइम इनटेक लेना चाहिए। तो ये हो गया हमारा विटामिन सी, स्टोर नहीं होता है बॉडी में। अब देखिए रक्त का थक्का यानी कि ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा विटामिन हेल्प करता है, वो है विटामिन के, ठीक है, विटामिन के, ब्लड क्लॉटिंग जहां पर भी आ जाए तो विटामिन के याद रखिएगा। अब देखिए यकृत कौन सा ऐसा विटामिन है जो लिवर में स्टोर हो रहा है, वो है विटामिन के भी होता है और विटामिन ए, ठीक है, यकृत मतलब लीवर, लीवर मानव शरीर में यकृत में विटामिन ए, विटामिन ए की काफी मात्रा संचित रहती है यानी कि स्टोर रहता है, तो ये आपको याद रखना है, ये बहुत बार पूछा गया है। विटामिन बी 12 में क्या पाया जाता है, कोबाल्ट, क्या पाया जाता है बी 12 में, कोबाल्ट, नाम क्या है इसका, साइनोकोबैलामिन, ठीक है, साइनोकोबैलामिन, और को मतलब सिंबल देखे तो कोबाल्ट, ठीक है, किसमें, विटामिन B12 में क्या पाया जाता है, कोबाल्ट। अब ये देखिए पालक के पत्तों में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, सबको पता होगा आयरन किस में पाया जाता है, गुड़ में, चने में और पालक के पत्तों में, हरी सब्जियों में, तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि पालक के पत्तों में क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। अब ये सारी जितनी भी चीजें हैं ये विटामिन चैप्टर जो है टॉपिक है उसकी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, लेकिन अगर हम लोग विटामिन्स की बात कर रहे हैं, पोषण की बात कर रहे हैं, तो ये एक टर्म है, इसकी बात ना करें ऐसा नहीं हो सकता। कोलेस्ट्रम, कोलेस्ट्रम क्या होता है, ये बहुत बार पूछा गया है, कोलेस्ट्रम क्या है, पहला मिल्क, फर्स्ट मिल्क, पहला पीला और गाढ़ा मिल्क, ठीक है, जो कि क्या होता है, ये नेचुरल वैक्सीन है, क्या है, नेचुरल वैक्सीन, नेचुरल वैक्सीन होता है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि पहला गाढ़ा मिल्क जो येलोइंग ऑफ मिल्क होता है वो कौन सा होता है, उसका नाम क्या है, वो होता है कोलेस्ट्रम, जो कि जब बच्चा होता है तो सबसे पहले उसे दिया जाता है कोलेस्ट्रम, क्यों दिया जाता है, क्योंकि ये एक नेचुरल वैक्सीन होता है। इसलिए अगर हम पोषण की बात कर रहे हैं या हम न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं तो हम बिना माँ और बच्चा, ये दोनों टॉपिक ऐसे हैं जिनके बिना हम बात नहीं छोड़ नहीं सकते इस टॉपिक को। तो आपको याद क्या रखना है, कोलेस्ट्रम नाम याद रखना है, कोलेस्ट्रम, ठीक है, ये बहुत बार पूछा गया, ये भरपूर है, नेचुरल वैक्सीन है, इसमें विटामिन्स, बहुत सारे विटामिन्स पाए जाते हैं, कैल्शियम, फॉस्फेट, जिंक, ये सब कुछ पाया जाता है, ठीक है। अब आपको क्या याद रखना है, एक क्वेश्चन आता है कि ब्रेस्ट मिल्क या वुमेन्स मिल्क में क्या, कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो वे प्रोटीन, ठीक है, वे प्रोटीन, कैसे याद रखेंगे, डब्लू से वुमेन, वे से, ठीक है, डब्लू डब्लू,
ये याद रखना है आपको, वुमेन में वे प्रोटीन पाया जाता है और काऊ में कौन सा पाया जाता है, केसीन, ठीक है, केसीन। इन दोनों से इन दोनों से क्वेश्चन आए हैं, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहला गाढ़ा दूध को क्या कहते हैं, कोलेस्ट्रम। ब्रेस्ट मिल्क यानी कि वुमेन्स मिल्क में क्या है, उसमें वे प्रोटीन है, वे प्रोटीन, WHEY वे प्रोटीन। और काऊ में क्या है, केसीन पाया जाता है, काऊ में क्या पाया जाता है, केसीन पाया जाता है, ठीक है। तो ये सारे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो विटामिन में पूछे जाते हैं। थैंक यू एवरीवन, आज आपका याला जो टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। बाकी आप फटाफट यहाँ जो भी कोर्स चल रहा है, बैच चल रहा है, वो आप लोग टीम से कोऑर्डिनेट करके उसे ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आप लोग को सारी वीडियोज़ और टेस्ट सीरीज, सारी लाइव क्लासेस, वो सब आप लोग को उपलब्ध हों। थैंक यू एवरीवन।